नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इन दिनों फेस्टिवल सीजन की धूम मची हुई है। गोकुल धाम वासी इस रंग बिरंगे मौसम का भरपूर लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गरबा की धूम है और जेठालाल फैमिली के साथ मिलकर पूरी सोसाइटी जबरदस्त धूम मचाने की तैयारी कर रही है। कोई भी त्योहार हो या फिर मौका हो, गोकुल धाम सोसाइटी में तो धमाल मचना तय ही रहता है। ऐसा ही कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हो रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी से सेक्रेटरी भिड़े बहुत परेशान है, क्योंकि कोई भी गरबा बैंड गोकुल धाम सोसाइटी में आने के लिए उपलब्ध नहीं है। जेठालाल उसे कहता है कि सुंदर बैंड का इंतजाम कर सकता है, सुंदर नाचो बैंड को पक्का करता है। नवरात्रि में गरबा वाले दिन जब बैंड आता है, तब सोसाइटी वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि बैंड के सभी सदस्य अंग्रेज हैं। सभी दुखी हो जाते हैं कि अब ये लोग हिंदी या गुजराती में कैसे गाएंगे, लेकिन जब बैंड वाले गाना शुरू करते हैं, तब सारे गोकुल धाम वासी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वे हिंदी और गुजराती में गरबा गाते हैं। खास ये है कि इस बैंड में गाना गा रहे दोनों गायक असली में हिंदी और गुजराती में गाना गाते हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी उन्होंने खुद ही अपने गाने गाए हैं। गायक का नाम है कोस्टा और गायिका का नाम है एली, यानी दर्शकों की भरपूर मौज रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।